हाँ जी दोस्तों, टाटा मोटर्स ने बुधवार को एल्ट्रोस आई टर्बो को भारत में पेश कर दिया गया है। हालांकि कंपनी अभी इस नई कार को 22 जनवरी को लॉन्च करेगी, लेकिन टाटा मोटर्स ने नई एल्ट्रोस आई टर्बो की आधिकारिक तौर पर प्री बुकिंग शुरू कर दी है और इसे 11,000 रुपए की टोकन राशि देकर बुक कराया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं डिटेल में। दोस्तों, देश में टाटा अल्ट्रोस को 2020 की शुरुआत में पेट्रोल इंजन के साथ साथ डीजल इंजन पावर ट्रेन के साथ लॉन्च किया गया था। टर्बो वेरियंट मॉडल के रेंज को और बढ़ा देता है और यह भारतीय बाजार में नई लॉन्च की गई 2020 हुंडई i20 के टर्बो ट्रिम का मुकाबला करेगी। अल्ट्रोस आई टर्बो को XT, XZ और लाइन के नए टॉप XZ प्लस वेरिएंट में उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, इसके इंजन की बात करें तो यह टाटा अल्ट्रोस का सबसे पावरफुल और तेज वेरिएंट में है। इसमें वही 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है जो नेक्सन के साथ मिलता है। यह इंजन 110 PS का पावर और 150 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दोस्तों, यह बिना टर्बोचार्ज पेट्रोल वेरिएंट की तुलना में लगभग 28% ज्यादा पावर है जो लगभग 82 PS जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल यूनिट ट्रांसमिशन दिया गया है। हालांकि इसके साथ साथ DCT गियरबॉक्स का विकल्प मिलने की संभावना थी जिसे शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों, वहीं अगर इसकी रफ्तार की बात करें तो आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक टाटा अल्ट्रोस आई टर्बो 12 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। यह इंजन 18.13 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है। टर्बोचार्ज वेरिएंट में अतिरिक्त ड्राइविंग मोड भी मिलते हैं। इसमें स्पोर्ट और CD मोड होंगे जो सिर्फ आई टर्बो वेरिएंट के साथ ही उपलब्ध होंगे। दोस्तों, नए अल्ट्रोस आई टर्बो के इंटीरियर फीचर्स की बात करें तो इसमें चमड़े की सीटों के साथ हल्के भूरे रंग के इंटीरियर्स मिलता है। कार में ऊंचाई एडजस्ट करने वाली ड्राइवर सीट, मल्टी ड्राइव मोड, रियर आर्म रेस्ट, पीछे की तरफ पावर आउटलेट, 2 अतिरिक्त ट्विटर, 1 शॉट अप पावर विंडो फीचर, एक्सप्रेस कूल, क्रूज कंट्रोल, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन के अलावा भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। दोस्तों, नए अल्ट्रोस आई टर्बो वेरिएंट में एक प्रमुख अपडेट यह दिया गया है कि इसमें टाटा की IRA टेक्नोलॉजी शामिल है, जिसकी वजह से इसमें कई कनेक्टेड कार फंक्शंस मिलते हैं। टाटा मोटर्स नई सफारी SUV के साथ भी लॉन्च की तैयारी कर रही है। यह कार हैरियर SUV का 7-सीटर वर्जन है। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए